मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे गलत रास्ते पे भी चल रही थी लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश बमबार अदीला बलोच ने अपने वालिदैन के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो एक क्वालिफाइड नर्स थीं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट चला रही थीं। अपने फैसले पर शर्मिंदा और अश्कबार अदीला बलोच ने कहा कि इसका काम लोगों की मदद करना और जिंदगियां बचाना है, लेकिन चंद अनासिर ने इसे ऐसे बहकाया कि ये भी नहीं सोचा कि खुदकुश हमला करने से कितने मासूम और बेगुनाह लोगों की जान चली जाएगी। मैंने नर्सिंग के कोर्स क्वेटा BMCH में किया और अभी मैं क्वालिफाइड नर्स हूँ। मुझे ये बताया गया कि वहाँ पर आपको एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर ऐसे सख्त हालात थे, इनके ऐसे सख्त रवैया था। ये वहाँ पर मैंने ऐसे नौजवान भी देखे कि इनके वो भी ऐसे बिखाए हुए थे और लोगों के हाथ में भी ऐसे बंदूक थे। ये लोग ऐसे गलत बातें करवा के उनको भी लेके ऐसे गए थे। जज्बाती मनाजिर पेश करती न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अदीला बलोच ने कहा कि दहशतगर्द ब्लैकमेल करके बलोच खवातीन को वरगलाते हैं, जिसकी वो खुद चश्मदीद गवाह हैं। अदीला बलोच ने कहा कि बलोच नौजवान ऐसी गलती ना करें, हकूमत बलोचिस्तान की वजह से वो आज जिंदा है। ये जो आजकल का तासुर है कि बलोच खवातीन अपनी मर्जी से खुदकुश करती, ये बात गलत है। मैं खुद एक चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने खुद देखे। ये लोग ब्लैकमेलिंग करके लेके जाते, वरगला के लेके जाते। और आखिर मैं ये नसीहत देना चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों के बातों पे कभी भी नहीं आओ, ये लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अदीला बलोच के वालिदैन का कहना था कि इनकी बेटी उनका वाहिद सहारा थी। जब बेटी के मिसिंग होने का पता चला तो उन पर जो गुजरी वो अल्लाह जानता है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों पर ले जाने वाले आज़ादी के नाम पर नौजवानों को वरगलाते हैं। अदीला के वालिद ने कहा कि मैंने हकूमत को इतला दी कि मेरी बेटी दहशतगर्दों के कब्जे में है, उसे बाजियाब कराया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में फराज अजीम शाह ने कहा कि अदीला की बाजियाबी एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि रियासत ने हमेशा जिंदगी बांटी है, दहशतगर्द मौत का खेल खेल रहे हैं। फराज अजीम शाह ने कहा कि हमने दिल से अदीला बलोच को कबूल किया है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।